ये लोकेशन किसी ने नहीं देखा होगा भाई, किसी ने नहीं देखा। क्या ही लोकेशन है, बस टायर पंचर ना हो जाए इधर, कट वट ना लग जाए, क्योंकि ये पत्थर है जो बहुत शार्प है। क्या बात, इतनी खूबसूरत जगह पे हूँ अभी, बता नहीं सकता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अंतरशावली का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देखना। अब यहाँ से मैं अपनी राइड कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी एक जगह मैंने देखी है, जगह का नाम है श्रीखंड महादेव, और एक बड़ा सा पत्थर है, वैसा फोटो गूगल मैप पे दिखा रहा है, यहाँ से 32 किलोमीटर। तो देखते हैं क्या मंजर रहता है, कितने टाइम में हम लोग पहुँचते हैं। लेट्स गो। यहाँ से गए थे, जो लोगों ने पानियारी वाला वीडियो ना देखा हो वो देख लो, पानियारी। अब यहाँ से 11 किलोमीटर इसी रूट पे जाना है भाई। रास्ता देखो, नज़ारों से भरा हुआ है, और ये जो पूरा रास्ता है वो माउंटेन रेंज के बीचों बीच से निकल के आगे जाता है। और अभी हम लोग किस लोकेशन पर जा रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि सतलासणा से जो धरोई डैम जाते हैं, बस उसके दूसरे तट पर जाना है जो साबरकांठा ज़िले की बॉर्डर पे है, खिडब्रह्मा के करीब है, बस उसी नोच पे हमें जाना है। और ये पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है कि क्या बोलूँ, लेकिन ये रास्ता उतना ही डेंजरस भी है, क्योंकि ये माउंटेन रेंज के बीचों बीच है, तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल आ सकते हैं। तो आप अगर इस रूट से आते हो तो सेफली राइड कीजिएगा, और ये माउंटेन रेंज इतनी खूबसूरत लगती है। तो जीतपुर चार रास्ता पर पहुंचे हैं, यहाँ से लेना है राइट अगर हमें वहाँ पर जाना है तो, और यहाँ से वो 7.5 किलोमीटर जितना डिस्टेंस बाकी है। नाम चाहे कुछ भी हो, बट अगली बार हम लोग विजिट करेंगे तब पूरी डिटेल लेंगे। आज मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ, तो सोचता हूँ कि ये लोकेशन ज़रूर विजिट करूँ और देखूँ कि एग्जैक्टली जगह कैसी है। गूगल मैप में 2-3 फोटोज़ थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, अब देखते हैं वहाँ जाकर कि एग्जैक्टली कैसा है। ये रास्ता 2-3 गाँव के अंदर से होके गुजरता है, तो जब भी आओ सेफ राइड करो, और यहाँ पर स्पीडिंग मत करना कभी भी। और ये गांव मतलब इतने हरे भरे खेत है कि आपको यहाँ का नज़ारा दीवाना बना देगा, कि आपको ऐसा ही लगेगा कि ये राइड कभी ख़त्म ही ना हो, ये राइड चलती ही रहे। और ये जो माउंटेन्स है वो एक अलग ही अट्रैक्ट करते हैं अपने को, कि बस इसी रास्ते पे हमें आगे बढ़ता ही रहना है, बढ़ता ही रहना है। अब यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने को आए हैं। अपनी R15 को यहाँ पर प्रॉपर ऑफ रोडिंग मिल रही है, तो अगर यहाँ पर एक्सपल्स होती तो और मज़ा आने वाला था, बट कोई नहीं, अब R15 लेके आ चुके हैं तो एंजॉय करेंगे, और क्या। वैसे अकेले है तो अकेले राइड को एंजॉय करेंगे, अकेले नहीं है, देखो देखो सामने कोई और भी है। What a location भाई, क्या ही location है।
मंदिर आकर था ना, ना हो जाए इधर कट वट ना लग जाए, क्योंकि ये पत्थर है जो बहुत शार्प है। क्या बात क्या बात क्या बात, भाई साहब क्या लोकेशन। और 260 मीटर, destination is on the right.
इतनी खूबसूरत जगह पे हूँ अभी, बता नहीं सकता। 15 से 20 मिनट जितना टाइम मैंने स्पेंड किया, ड्रोन शॉट लिए जो अभी आपने देखे, कैसा लगा यहाँ का नेचर, कितनी खूबसूरत जगह है। और कुछ नौका भी, मतलब क्या बोलते हैं, नाव भी अंदर चल रही है, लोग फिशिंग कर रहे हैं, और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा नज़र आ रहा है, अमेजिंग। और मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं अब इस जगह को अलविदा कहता हूँ और वापस से चलते हैं घर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अकेले मत आना, रिस्की है। और अपना तो काम ही है, गुजरात घूमना है मेरा काम, गुजू राइडर है मेरा नाम। सुमसाम जगह है, अभी कोई नहीं है, एक ही कपल है जो बाइक लेके आगे गए, तो शायद आगे टेम्पल हो सकता है। और नाम इस, ये जो पिलर है वो दिख रहा था, इसी जगह का नाम श्रीखंड महादेव ऑनलाइन मैप पे ऐसा है, आगे शायद मंदिर हो सकता है। बट मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो सब लोगों को लेके आऊँगा, दोस्त लोग वगैरह और राइडर्स को लेके आऊँगा। बहुत ही गजब की जगह है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप यहीं से हो और यहाँ से देख रहे हो तो प्लीज़ शेयर जरूर से कीजिएगा पूरे गाँव में। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नए एक और मज़ेदार लोकेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुज्जू राइडर।